विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में रातानाड़ा स्थित गणेश मंदिर में मंगलवार को त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दुपट्टा और त्रिशूल सौंपकर हिंदू धर्म की रक्षा की शपथ दिलाई गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बाड़मेर द्वारा मंगलवार को त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम स्थानीय शिवधाम रातानाड़ा में आयोजित हुआ। बजरंग दल के जिला संयोजक भुवनेश दवे ने बताया कि बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया सहित प्रांत संयोजक विक्रम परिहार, विभाग मंत्री पवन वैष्णव के आतिथ्य में त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल दीक्षा ली। मंच संचालन करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री स्वरूप सिंह भद्रू ने अतिथियों का परिचय और साफा पहनाकर स्वागत किया। विक्रम परिहार ने अपने उद्बोधन में कहा कि त्रिशूल दीक्षा हर युवा को लेनी चाहिए, हर युवा को बजरंग दल में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं के साथ बढ़ते अपराध, लव जिहाद, लैंड जिहाद, गोहत्या जैसी कई घटनाएं घट रही हैं। हर हिंदू परिवार अपनी सुरक्षा के लिए बजरंग दल के सामने देखता है और उनसे अपेक्षा रखता है कि बजरंग दल हमारी मदद करेगा। अगर बजरंगी के पास कोई हथियार नहीं होगा तो वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा, इसलिए त्रिशूल दीक्षा सभी के लिए आवश्यक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने कहा कि बजरंग दल ने आतंकवादियों द्वारा अमरनाथ यात्रा को बंद करने की दी गई धमकियों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यात्रा कर अमरनाथ यात्रा पुनः प्रारंभ की। उसके बाद से आज तक अमरनाथ यात्रा सुरक्षित और नियमित हर वर्ष निकाली जाती है। उन्होंने कहा कि हर हिंदू को संगठित होना ही होगा। उन्होंने कहा कि आज बाड़मेर में कई प्रकार से घुसपैठ की जा रही है, हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी जैसे कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में हर गांव में बजरंग दल का कार्यकर्ता तैयार हो और अब की बार जब भी त्रिशूल दीक्षा हो तो हजारों कार्यकर्ता दीक्षा ग्रहण करें। बजरंग दल ने आज बाड़मेर जिले में त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम रखा था और त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से जिले के प्रत्येक प्रखंड अर्थात ब्लॉक में बजरंग दल ने संकल्प लिया है कि बड़े पैमाने पर हिंदू युवा नौजवानों को त्रिशूल दीक्षा दिला करके उन्हें सौरवान, साहसी और पराक्रमी बनाएंगे। उसके माध्यम से गौहत्या, गौ तस्करी, लव जिहाद, इस्लामिक जिहाद की जो गतिविधियाँ चल रही हैं, नशा तस्करी और ये बॉर्डर एरिया में घुसपैठ, इन सब चीज़ों को संकल्प लेकर के रोकेंगे ताकि इस देश के अंदर अपने ज़िले के अंदर किसी प्रकार की इस्लामी जिहादी गतिविधियाँ ऐसी न चल पाएँ कि जिनके कारण हिंदू हताहत हो और अपने जो सीमांत क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में कोई भी देश विरोधी गतिविधि न चल पाए। इसलिए हिंदू नौजवानों को त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से जन जागृत करने का काम, साहसी बनाने का काम और सौरव बनाने का कार्य करेंगे ताकि हिंदू स्वाभिमान के साथ में अपनी रामनवमी की यात्रा, अपनी हनुमान जयंती की यात्रा, अपनी शिखर जन्माष्टमी की यात्राएँ इनको निकाल सके और सम्मान के साथ रह सके। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष ताराचंद चौपड़ा, किशोर भार्गव, राजेंद्र पुखराज बोथरा, सुखदेव बजरंगी, हुक्मी चंद खत्री, जसवंत सिंह, नगर संयोजक जितेश जांगिड़, नरेंद्र दवे, हिंदू सिंह, सांवला राम निखिल, हितेश, दुर्गेश गोड़, मनोज सैन, तन सिंह, जितेंद्र सैन, खेतपुरी, पुनीत शारदा, अभिषेक दवे, रतन प्रदीप खींची, हिमांशु, भुवनेश दवे, सुनील जांगिड़, छोगा लाल, स्वरूप परिहार, ओमनाथ, राहुल आचार्य समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।